हेलो एवरीवन, ये है यूट्यूब वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ई टैब के टूल्स को सेट करें और शॉर्टकट की कैसे पता चले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ई टैब में, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जाना है कस्टमाइज टूल बार। इस पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुल जाएगी आपकी। इस विंडो में देखिए टूल बार का जो टैब है, इसमें कुछ टूल्स पे टिक लगा हुआ है, कुछ पर नहीं लगा हुआ। तो जैसे ही आप किसी टूल पे टिक लगाते हो तो उसका आइकन ऊपर आ जाता है, ये देखिए। ठीक है, जैसे असाइन फ्रेम, असाइन सेल्स, एडिट व्यू, डिफाइन, तो सारे टूल्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारे माउस हम कहीं क्लिक करते हैं और ड्रैग होने की वजह से टूल्स चले जाते हैं, तो आप यहाँ से उनको वापस ला सकते हैं। ठीक है, और कीबोर्ड, एक और टैब आप यहाँ देख रहे हैं कीबोर्ड, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे न्यू मॉडल के लिए हमें Ctrl+N, ओपन के लिए Ctrl+O, इसी तरह यहाँ पे हमें की दिए हुए हैं शॉर्टकट की, एग्जिट के लिए, उसके लिए बनाना चाहते हो आप तो यहाँ पे देखिए चीज़ें दी हुई हैं। जैसे कि फाइल इंपोर्ट करना है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनका शॉर्टकट की बना सकते हो यहाँ पे न्यू की में जाके। इसी तरह डिज़ाइन फ्रेम, स्टील, इन सब का की असाइन कर सकते हो यहाँ से और न्यू बना सकते हो। जैसे कि डिस्प्ले डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन, Shift+Ctrl+F7, इससे क्या होगा, आपके डिज़ाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से आप टूल बार सेट कर सकते हो और साथ में कीबोर्ड के शॉर्टकट पता कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।